एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और इस टाइम पे जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ना, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे कि भाभियाँ जो है ना, कैसे चुमाती हैं देवर को। तो तिलक की रस्म तो हो चुकी है यहाँ पर, और बाहर में बहुत ज़्यादा हलचल है क्योंकि अब इस टाइम पर खाने की तैयारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले ना, जब तिलक की रस्म हो गई है तब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्टेज पर देवर जी का चुमावन करने के लिए। तो जितने भी लोग हैं ना, सब लोग लेडीज़ वहाँ पे जाएंगी और चुमावन करेंगी। उससे पहले का ये सीन है जब ये धान मिलाया जाता है, यानी कि लड़की के घर से लड़के के घर से, जो दोनों धान देख रहे हैं ना, दो जगह होता है, उसको मिलाया जाता है। उसमें से कुछ इसमें, इसमें से उसमें, और कलश को थोड़ा टच किया जा रहा है। तो पंडित जी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब रस्में हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी हैं, हमारे ट्रेडिशन में है, तो फिर ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे प्लेट है, कटोरी है, ग्लास है, इन सब चीज़ों पे भी, सब चीज़ पे अक्षत मार दिया गया है। पंडित जी बकायदा जैसा कहते हैं वैसा किया जाता है। तो उन्होंने दौरे होते हैं ना, वो सारी आए हुए हैं, और उसके बाद से यहाँ पे चलते हैं। तो अब यहाँ से सब लोग स्टेज से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि तिलक चढ़ चुका है। कल के वीडियो में ही आपने देखा था कि तिलक चढ़ चुका है। और ये सारी मिठाइयाँ हैं और फ्लावर्स वगैरह, ये सब हाथों से बने हुए हैं सारे, जो दुल्हन ने है ना, वो उन्होंने बनाए हुए हैं ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें उनको क्या क्या आता है उसके लिए, वो वहाँ पे लाई गई है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी हैं, तो मम्मी आई हुई थी, और मेरा ये बेडरूम है। और यहाँ पे देखिए सब लोग हैं, फैमिली के सारे मेंबर हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। उसके बाद से ये है बाहर का नज़ारा। तो चहल पहल बहुत हो चुकी है क्योंकि सारा प्रोग्राम हो चुका है, खाने का टाइम हो चुका है। तो जो कुछ लोग हैं तो वो खाने भी चले गए हैं, और कुछ लोग बाकी हैं। और देखिए यहाँ पर फिर से चल रहा है फ़ोटोशूट। और यहाँ पे आने के बाद, स्टेज पे आने के बाद, सबसे पहले हम लोगों ने आरती उतारी। घर वालों ने सबसे पहले देवर जी की आरती उतारी। तो सब लोग बारी बारी से ऐसा ही करेंगे, आरती उतारेंगे। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया था क्योंकि जो भाभियाँ होती हैं वो देवर से बहुत सारा हंसी मजाक करती हैं। और ये सारे लोग मतलब जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सब लोग, जो रिश्तेदार आए हुए हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। आप सबकी फ़ोटोज़, सबकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तो पूरा घर भर गया है। मतलब शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है ना कि पूरा हमारा घर भर जाता है लोगों से, रिश्तेदारों से, और बहुत मज़ा भी आता है। तो बहुत सारा डांस प्रोग्राम भी होने वाला है जो पूरी रात रात हम लोग कर रहे हैं, तो वो सारे वीडियोस मैं आपको शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं बड़ी मम्मी हमारी, और उसके बाद से अब चुमावन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे चुमावन के लिए हाथों में अक्षत, जो पीले कलर का चावल दिया जाता है ना, वो दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई सोने की अंगूठी या कोई भी चीज़ दिया जाता है, और यहाँ पे चुमावन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है जब चुमावन, ऊपर देखिएगा। चलो मैं चुमा
यहाँ पे ना चुमावन की रस्में हो रही थी, ये हमारे फैमिली मेम्बर सब लोग, और फोटोशूट भी हो रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत मज़ा आया और काफ़ी टाइम भी लग गया। पता है इस टाइम पे रात के 11:30 से ज़्यादा हो चुके थे ये सब करते करते। अभी बहुत सारे लोग, जैसे खाना तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो जिनको जब खाना है वो फ्री था कि उस टाइम से आदमी खाने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूर से आते हैं, तो खाना उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन हमारा अभी खाना नहीं हुआ है और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो साथ में हैं, उनका भी नहीं हुआ है। तो इस टाइम पे अब हम लोग चुमावन करने के बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे चुमावन करने के बाद ना पानी भी उछरुंगा जाता है, जैसे संपन्न हो गया चुमावन, तो उसके बाद से छोटी सी लोटिया जो होती है ना पीतल वाली, उसको लेके वहाँ पे पानी गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे वहीं रस्में अब की जा रही हैं। और ये छोटी सी दिख रही है ना, ये मेरी ननद की छोटी सी बेटी है, जो कि बहुत ही क्यूट है। मतलब इसमें वीडियोस में थोड़ा कम आया है, बट बहुत ही क्यूट है। तो यहाँ पे एक भाभी हैं, वो यहाँ पे चुमावन कर रही हैं। तो ऐसे ही करके ना एक एक करके बहुत सारे लोग हैं हम लोग, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया, लेकिन वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और पूरी चीज़ें इतने वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगी आज। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो टाइम लगा थोड़ा। और यहाँ पे सब चुमावन का अब जो प्रोसेस है ना वो संपन्न हो चुका है, चुमावन हो चुका है, और उसके बाद से अब पानी उछलुंग दिया जाएगा, एक लोटिया में लेके पानी और घुमा के राउंड और उछलुंग दिया जाता है। तो हमारे बिहार में ना इसी तरीके से कुछ रस्में होती हैं। जो लोग भी अगर उधर से होंगे, नॉर्थ से या फिर बिहार से, भी प्रोसेस होता है इसी तरीके से, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसी तरीके से होता है। दूल्हे राजा अब जा चुके हैं अंदर में, और उनको जो भी अगर ड्रेसअप तो चेंज नहीं करेंगे इस टाइम पे अब सब लोग, क्योंकि अभी जो लड़की वाले हैं ना उन लोगों की विदाई नहीं हुई है। तो खाना खाने के बाद, उन लोगों का खाना हो चुका है वैसे, बट खाना खाने के बाद अब इस टाइम पे विदाई होगी। उसके बाद से नेक्स्ट डे का प्रोग्राम होगा और रात में नाच गाना भी होगा। तो भोजपुरी सॉन्ग जो होता है ना वो हमारे यहाँ पे बहुत चलता है, जैसे बिहार में भी चलता है लेकिन हमारे घर में भी चलता है। तो वो भोजपुरी सॉन्ग पे बहुत सारा डांस मस्ती हुआ है, उसके भी वीडियोज़ है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये दोनों भैया लोग हैं और वो मेरे फादर इन लॉ हैं। तो इस टाइम पे वो भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि
ऐसा होता है कि शादी ब्याह के घर में ना अच्छे से आदमी खा तो पाता नहीं है वैसे भी, लेकिन इस टाइम पे भी लेट हो गया है और लगभग इस टाइम पे अब सारी तैयारियाँ बन चुकी है। खाना खा रहे हैं, हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं आपको, और ये लोग कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि कुछ लोग गांव के भी हैं, कुछ लोग रिश्तेदार भी हैं, कुछ लोग लड़के वाले हैं, कुछ लोग लड़की वाले हैं। पीछे में पंडित जी भी जो पूजा करा रहे थे वो भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे चाचा जी हैं, तो यहाँ पे और लोग भी दिख रहे हैं, दूल्हे राजा दिख रहे हैं, मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, और फिर उनके पीछे में जिया जी हैं, मेरे हस्बैंड के बहनोई हैं। तो सब लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं। सो दैट आज वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, कल आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। सो बाय बाय।